हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता हडू क्लासेस। कविता हडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में सांग के स्कूल ऑफ फिलोसफी की चर्चा करेंगे। गाइज, अगर आप JRF क्वालिफाइड करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी के लिए UGC के न्यू रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग UGC नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। एंड ये टॉपिक UGC नेट के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सांग स्कूल ऑफ फिलोसफी ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में सबसे पुरानी है। सांग के शब्द संस्कृत से ओरिजिनेटेड है। सांग का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी, या क्या मीन्स नॉलेज भी होता है, अंडरस्टैंडिंग या विजडम। इस तरह से सांख्य का मीनिंग द नॉलेज या द नंबर है। इसके प्रोफाउंडर महर्षि कपिल हैं, अल्सो नॉन एज कपिल तंत्र या कपिल दर्शन। सांख्य दर्शन को कपिल तंत्र या कपिल दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के मेटाफिजिक्स की जहां तक बात है तो ये यथार्थवादी है, द्वैतवाद है और द्वैत वेदांत के विपरीत है। अकॉर्डिंग टू सांग स्कूल ऑफ फिलोसफी, दिस सिस्टम क्लासिफाइड ऑल सब्जेक्ट इंटू टू कैटेगरीज, पुरुष एंड प्रकृति। सांख्यवाद के अनुसार ये सृष्टि दो तत्व से मिलकर बनी है, प्रकृति और पुरुष। इसमें पुरुष क्या है, चेतन है। पुरुष में प्योर कॉन्शसनेस है, ये इनएक्टिव है और इंटरनल है। दूसरा, इसमें प्रकृति क्या है, ये अचेतन है, अनकॉन्शियस है, ये एक्टिव है और ये भी इंटरनल है। सांख्यवाद के अनुसार पुरुष और प्रकृति में पुरुष सोल है, आत्मा है और प्रकृति बॉडी है। सो गाइज, इट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सांख्य फिलोसफी। इसके प्रोफाउंडर महर्षि कपिल हैं। द वर्ड सांख इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड संख्या विच मीन्स नंबर। सांख इज द फिलोसफी ऑफ नंबर्स बिकॉज इट डील्स विद 25 कैटेगरीज। देन सांख मीन्स द फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज अबाउट पुरुष एंड प्रकृति। सांख्य दर्शन में 25 एलिमेंट माने गए हैं। सांख्य दर्शन का मीनिंग है फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज पुरुष और प्रकृति की, इट मीन्स बॉडी एंड सोल की। गाइज, ये सांख्य दर्शन के ऑल 25 एलिमेंट हैं। आई होप ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है पुरुष जो कि सोल है, सेकेंड प्रकृति जो कि बॉडी है, थर्ड है महत बुद्धि, देन फोर्थ अहंकार। अहंकार के 3 टाइप्स हैं, सत अहंकार, रज अहंकार, तमस अहंकार। प्रकृति के ये 3 गुण हैं, सत रज तम। सत अहंकार के यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, मन, सेंस ऑर्गेन एंड एक्शन ऑर्गेन। सेंस ऑर्गेन के अंतर्गत आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन है, जिसको कि नंबर दिया गया है। एंड एक्शन ऑर्गन के अंतर्गत हैंड, फीट, स्पीच, एक्सक्रेटरी ऑर्गन एंड जेनेटिक ऑर्गन है। इसी तरह से तमस अहंकार के 2 टाइप्स हैं, तन मंत्राएं और महाभूत। तन मंत्राएं अगेन 5 टाइप्स के हैं, साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर और स्मेल। महाभूत भी 5 टाइप्स के हैं, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब आप यहां पर काउंटिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5th में मन है। सेंस ऑर्गन के अंतर्गत 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। देन एक्शन ऑर्गन के अंतर्गत भी 5 है, तो फिर यहाँ 11 से स्टार्ट होगा, 11, 12, 13, 14, 15। तन मंत्राएं के अंतर्गत 5 है, 16, 17, 18, 19, 20। महाभूत के अंतर्गत 5 है, 21, 22, 23, 24, 25। इस तरह से टोटल 25 एलिमेंट है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। गाइज, यहाँ से फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि इसमें वनली काउज कौन है। वनली काउज प्रकृति है। सेकंड है कि वनली इफेक्ट कौन है। वनली इफेक्ट सेंस ऑर्गन, एक्शन ऑर्गन और पंच महाभूत, ये सारे वनली इफेक्ट में आते हैं। देन काउज
प्लस इफेक्ट। तो गाइस काउज प्लस इफेक्ट महत, अहंकार, मन और तन मंत्राएं, ये काउज प्लस इफेक्ट हैं। देन नो काउज नो इफेक्ट, ये है पुरुष, ये न कारण है न ही प्रभाव है। इस तरह के क्वेश्चन मैच करने के लिए आते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन सत्कारवाद को मानती है, इसका मतलब ये कार्य कारण सिद्धांत को मानती है। सांख्य दर्शन के अनुसार हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सेकंड है कि सांख्य दर्शन विकासवाद पर आधारित है, इसका मतलब ये स्वर्ग और प्रलय के सिद्धांत को मानती है। सांख्य दर्शन के अनुसार सारी चीजें अपनी डेवलपमेंट स्टेज में होती है, लेकिन हर किसी का एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। जैसे कि ये सर्ग है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इस तरह से चलती रहती है, एंड यहाँ पर ये प्रलय का पॉइंट है, ये रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। इसकी बुक है सांख्य कड़िका, रिटेन बाय ईश्वर कृष्ण, इज प्रेजेंटली द मोस्ट पॉपुलर प्राइमर फॉर द स्टडी ऑफ सांख्य। इसके अलावा सांख्य सूत्र बुक है जो कि कपिल लिखे हैं, सांख्य प्रवचन सूत्रम, ये डिटेल में सांख्य दर्शन लिखा हुआ है। देन तत्व कुमेदी नामक बुक है जो कि वाचस्पति के द्वारा लिखा गया है, ये सांख्य कड़िका पर टीका है। नेक्स्ट है इपिस्टोमोलॉजी ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की क्या विधियां हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्य स्कूल ऑल नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू थ्री प्रमाण्स। अब ये प्रमाण क्या है, तो प्रमाण्स है मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, वैलिड नॉलेज को प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के थ्री साधन हैं, थ्री प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है अनुमान, लॉजिकल इन्फ्रेंस, एंड लास्ट शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। इन तीन प्रमाण को सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में मानते हैं। अब सांख्य फिलोसफी की एक्सियोलॉजी की बात करते हैं, सांख्य फिलोसफी का गोल क्या है, वह क्या पाना चाहता है, उसका किस पर फोकस है। इसका गोल है फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। इफ द पेन इन आवर बॉडी और माइंड इज सो डीप दैट वी कांट गेट रीड ऑफ इट, देन वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ आवर बॉडी और माइंड। आवर बॉडी माइंड एंड कॉन्शसनेस आर ऑल इंटरमैंगल्ड, therefore do not impose the thought on yourself that you are just pure consciousness and the pain and pleasure are an illusion. Life means integration of some desirable and some undesirable. Sankhya is a dualistic philosophy, meaning that there is clear distinction between matter and consciousness, changing and unchanging. There is also clear distinction between right and wrong, बर्थ एंड डेथ, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। सो सांख्य दर्शन क्लियर है, कंसंट्रेट है और स्पेसिफिक है। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सांख्य दर्शन की सारी डिटेल को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग योग दर्शन को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड गाइज, अगर आप PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।